News 18, India. और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर है जहां बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर शहर के बाकी इलाकों में कर्फ्यू में ढील दे दी गई है। इसके साथ ही शहर के दूसरे इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। बनभूलपुरा, रेलवे बाजार, कारखाना बाजार, गांधीनगर के आसपास के इलाके को अगर छोड़ दें तो शहर के दूसरे इलाकों में इंटरनेट सेवा आखिरकार बहाल हो गई है। हालांकि इस बीच सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। परीक्षाओं के लिए प्रवेश पत्र को ही कर्फ्यू पास के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए कोशिश ये है कि वो इलाका जो ज्यादा सेंसिटिव है उसे छोड़ दिया जाए, तो बाकी जगहों पर धीरे धीरे अब जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। कोशिश प्रशासन की यही है कि एक बार फिर से ऐसी कोई स्थिति ना बनने पाए। देर रात को भी कई लोगों के घरों में छापेमारी की गई। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अब कुछ राजनीतिक कनेक्शन भी यहां पर सामने आ रहे हैं और तार जो है जो उत्तराखंड है उसके पार यूपी की तरफ जुड़ रहे हैं और यूपी पुलिस से भी संपर्क में यहां पर उत्तराखंड पुलिस है और उत्तराखंड पुलिस ने यूपी के कई हिस्सों रामपुर, बरेली और उसके अलावा मुरादाबाद में डेरा डाला हुआ है कि वहां पर से कुछ ये माना जा रहा है जो हम पहले से ही कह रहे थे पहले दिन से कि यहां पर बाहर के कुछ लोग आए थे जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया था, उसके बाद यहां से वो भाग गए थे और इसी वजह से अब यहां पर जो पुलिस है वो उन लोगों को टारगेट कर रही है जो लोग यहां पर हो सकते थे और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और पुलिस का ये कहना है कि देर रात भी तकरीबन 20 से ज्यादा लोगों के घरों में छापेमारी की गई थी, जो लोग कुछ लोग फरार हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं आज भी जो कर्फ्यू है, कर्फ्यू में हल्द्वानी के कुछ हिस्सों में बनभूलपुरा को छोड़कर दूसरी जगह पर ढील दी गई है। आज दूसरी जगह पर इंटरनेट सेवा सुबह बहाल की गई है और बीच में भले ही बंद हुआ था लेकिन इंटरनेट सेवा बहाल की गई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली होगी। लेकिन बनभूलपुरा का ये जो पूरा इलाका आपको दिखा दूंगा ये सब सन्नाटे में अभी भी है क्योंकि पुलिस ने यहां पर कोई ढील नहीं दी है। लगभग यहां पर हजारों की संख्या में पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, घर के चप्पे चप्पे गलियों में पुलिस फोर्स है, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो कर्फ्यू में इन इलाकों में कोई ढील नहीं है लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 15 दिन में रिपोर्ट देनी है कुमाऊं कमिश्नर को और इसके लिए यहां पर ये माना जा सकता है कि जल्द से जल्द उन असली चेहरों तक पहुंचना चाहते हैं पुलिसकर्मी, क्योंकि अब्दुल मलिक जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसके बगीचे मलिक का बगीचा जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ था कब्जे वाला, उसके बाद अब यहाँ पर सिर्फ कर्फ्यू और उसके अलावा जो छापेमारी है वो देर रात चली है और जो लोगों की अरेस्टिंग हुई थी अब तक 5 लोगों की अरेस्टिंग के लिए पुलिस ने बोला है लेकिन आज कुछ और खुलासा होगा पुलिस की तरफ से। तो 8 फरवरी को हुई हिंसा के बाद फिलहाल हल्द्वानी में हालात सामान्य बने हुए हैं। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की तलाश की जा रही है। 8 फरवरी को फैली हिंसा के बाद हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताएं कि उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन इस वक्त एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। लगातार वहां से अपडेट्स भी आ रही हैं। तो हिंसा की जांच भी तेज कर दी गई है, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती भी की गई है ताकि शांति बहाली हो। और इस बीच मुख्यमंत्री की तरफ से चेतावनी भी दी गई है। पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा है कि जिसने भी ये हिंसा भड़काई है वो दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। यहाँ पर अभी भी जो दुकानें हैं वो बंद हैं, ये कर्फ्यू क्षेत्र इसको माना गया है और जो अंदर बनभूलपुरा वाला इलाका है वहाँ पर पूरी तरीके से बंद किया गया है। कुछ दूध की जो गाड़ियाँ हैं उनको आने जाने की अनुमति अंदर दी गई है और ये जो दूध है उन इलाकों में दिया जा रहा है। कहाँ इसको लेके जा रहे हैं अभी ये आगे लेके जा रहे हैं बनभूलपुरा इलाके में। डिमांड आई थी इन सारी चीज़ों? नहीं, डिमांड नहीं आई, प्रशासन ने वो अलाउ करके, सर ने बात लोग बात करके प्रभारी जी ने, और तब थोड़ा लोगों को 3-4 दिन से जो बच्चों को दूध मिला नहीं है उनके लिए कोशिश करके एक पैकेट करके मिल जाए, बच्चों तक तो पहुंचे जाए वाली बात है। तो ये दूध की जो गाड़ी है ये इसको अंदर भेजा गया है प्रशासन की ओर से और ये बनभूलपुर इलाके में दूध लगातार दिया जा रहा है। दुकानें जो हैं वो अभी भी बंद हैं। जो ये पूरा इलाका है यहाँ पर धारा 144 कर्फ्यू वाला पूरा एरिया है और जो नैनीताल रोड के उस तरफ वाला इलाका है वहाँ पर जो कर्फ्यू है उसको थोड़ा हटाया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज 18 हल्द्वानी।
और इधर आप देखिए हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले अब्दुल मलिक का एक और वीडियो सामने आ गया है जिसमें वो नगर निगम के अधिकारी से बहस करता हुआ नजर आ रहा है। अब दावा ये है कि ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी कि 8 फरवरी का है। आरोप ये है कि नगर निगम की टीम जब दल बल के साथ बनफूलपुरा इलाके में अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची तो आरोपी मलिक से उनकी जमकर बहस हो गई। अब्दुल मलिक नगर निगम की टीम को जमीन के दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे और नगर निगम के अधिकारी लगातार उनसे जमीन के कागज मांग रहे थे। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, फिलहाल अपडेट क्या है, क्या तस्वीरें वहां से मिल रही है दर्शकों को, सबसे पहले तो ये दिखाइए। देखिए, मैं इस वक्त रेलवे बाजार इलाके में हूँ और यहाँ पर भी इंटरनेट और कर्फ्यू जो है बिल्कुल टाइट है और दूर तक आपको कहीं पर भी कोई पब्लिक घूमते हुए नहीं दिखाई देगी। सिर्फ यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है लगातार गलियों में घुसकर यहाँ पर देख रहे हैं, किसी को आने की यहाँ पर परमिशन नहीं है। जो कुछ लोग यहाँ पर सुबह के वक्त मूवमेंट करते हुए दिखाई दिए थे वो लोग जो दूध सप्लाई करने के लिए यहाँ पर गए थे। उसके अलावा देर रात भी कई गलियों 1 नंबर से लेकर 17 नंबर गली में छापेमारी की गई थी। 8 नंबर गली में अब्दुल मलिक जो इस केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो वहाँ पर रहता है, उसके घर में दोबारा देर रात को रेड की गई थी कि कहीं मूवमेंट उसकी हो। और उसके अलावा 17 नंबर गली से कुछ लोगों को उठाया गया है रात को, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि अभी कुछ देर बाद डेटा वो देंगे कि आज की गिरफ्तारी और उसको लेकर क्या FIR में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि जिस तरह से पूरा हालात हुआ है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब पुलिस की टीमें ये कोशिश कर रही हैं कि उन तत्वों की पहचान की जा सके जो लोग यहाँ पर मौजूद थे। और सबसे अहम चीज़ यह है कि जो वीडियो फुटेज इस वक्त वायरल हो रहे हैं उन फुटेज के आधार पर पुलिस की टीमें अब जांच को तेज कर रही है, क्योंकि उन लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। स्थानीय लोगों की मदद ली जा रही है। जो थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी जो इस बनबुलपुरा थाने के अध्यक्ष थानाध्यक्ष हैं उनको उनसे रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर क्रिमिनल माइंडेड थे, जो लोग इस तरह की हरकत पहले भी कर चुके थे, कभी प्रदर्शन का इस्तेमाल करते थे, और उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि ये पता लग सके कि जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचा जा सके जिन लोगों ने आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी। और कई अब इसमें महिलाओं को भी यहां पर टारगेट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा कि महिलाओं की भूमिका क्या रही थी, क्योंकि जिन महिलाओं ने सबसे पहले पुलिस का रास्ता रोका, जिन महिलाओं कोई भी यहाँ पर जो दंगाई जिसने हिंसा फैलाने की कोशिश की, चाहे किसी से भी वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन उसे बख्शा नहीं जाएगा। और खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये साफ संदेश दिया गया है। तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो ये बताती हुई कि कैसे वहां पर कार्रवाई आगे बढ़ रही है। दीपक, एक सवाल ये है कि क्या अभी तक की किसी भी जानकारी में कोई रोहिंग्या कनेक्शन डेवलप हुआ है क्या? देखिए, बड़ी खबर यही आ रही है कि रोहिंग्या कनेक्शन जो है, हमने न्यूज 18 इंडिया पर बताना चाहेंगे कि रोहिंग्या की जो कनेक्शन है, रोहिंग्या कनेक्शन, उसको लेकर यहाँ पर पुलिस सतर्क हो गई है, चौकन्ना हो गई है कि इस पूरे केस में रोहिंग्याओं की भूमिका की यहाँ पर पुलिस की टीमें जाँच करेंगी, क्योंकि कई रोहिंग्या और बांग्लादेशी और दूसरे जो देशों के लोग हैं वो यहाँ पर छिप कर रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनका कनेक्शन यहाँ पर खंगाला जा रहा है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि उनका इस्तेमाल यहाँ पर अब्दुल मलिक और उनके उसके जो लड़के हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन पत्थरबाजी और उसको लेकर रोहिंग्याओं का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए पुलिस की टीमें अब रोहिंग्या कनेक्शन को इसमें खंगाल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोग वहां पर मूवमेंट उनकी हुई थी जिस जगह पर उपद्रव हुआ था, और इसीलिए रोहिंग्या मुस्लिम्स के ऊपर भी पुलिस की